गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर नेशनलिज्म इन यूरोप वी हैव कवर्ड फर्स्ट पार्ट दैट इज फ्रेडरिक सोरियो, देन नेपोलियन बोनापार्ट सिविल कोड, आफ्टर दैट हैब्सबर्ग एम्पायर, मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म अकॉर्डिंग टू थ्री टर्म्स. थ्री टर्म्स कौन कौन सी हैं इसकी? इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल. देन इसके बाद फिर हमने किया था रोमांटिसिज्म. रोमांटिसिज्म का थोड़ा सा पार्ट रहता है, टुडे आई विल डिस्कस दैट एंड यू हैव टू नोट डाउन अकॉर्डिंग टू वन मार्क क्वेश्चंस और एमसीक्यूज. एंड वन कैटेगरी इज मोर अबाउट द अजर्शन एंड रीजनिंग जो क्वेश्चंस होते हैं. कई बच्चों को ना अभी भी अजर्शन रीजनिंग का क्लियर नहीं है. वो बच्चे मुझे पता क्या कर रहे हैं, कहीं से सैंपल पेपर में आपने अजर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन स्क्रीन शॉट किया और मुझे सेंड किया है. तो अजर्शन रीजनिंग का मीनिंग क्या होता है, मैं आपको फिर से समझा रही हूँ. सोशल की टर्म में सपोज मैंने आपको ये बोला, एक स्टेटमेंट दे दी है, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, दैट इज अजर्शन. नीचे मैंने बताया रीजन, इंडिया इज द सेकेंड पॉपुलेटेड, मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड. बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अजर्शन. ऐसे समझ आए? लेकिन अगर मैंने साथ में ये स्टेटमेंट ऐड करूं कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इन इंडिया फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आर हेल्ड एंड सिटीजंस दे आर गिवन राइट टू वोट, इट मींस रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन, बोथ आर ट्रू. ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको आएंगे. ये थोड़ा सा ना, ये नहीं है कि जस्ट आपको एक ही बार में रीड करोगे तो क्लियर हो जाएगा. इसके लिए थोड़ा सा चैप्टर की रीडिंग जो है वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखो, एक बार पढ़ लिया ये नहीं होगा कि हाँ जी हमने एक बार रीडिंग कर ली होगी. सेकेंड टाइम आपके पास सफिशियंट टाइम, पीटी जो आपका पीरियोडिक टेस्ट सेकंड है, इसमें आपकी इतनी अच्छी रिवीजन हो जाएगी कि टर्म वन तक आते आते ना आपको हर पैराग्राफ में से पता लग जाएगा कि ये क्वेश्चन जो है इस पैराग्राफ में से है और हमने इसका आंसर ऐसे देंगे. लेकिन वो तभी होगा जब हर रोज एटलीस्ट दो दो तीन तीन पेजेस की रीडिंग करोगे. एंड में अगर एक दिन नॉवल की तरह पूरा चैप्टर पढ़ोगे ना, वो क्लियर नहीं होगा. ठीक है, क्योंकि हर चैप्टर में ना बहुत से ऐसे इंपॉर्टेंट. अच्छा, ये भी दूसरा है कि जो एमसीक्यूज आंसर्स होंगे ना वो क्लोज कनेक्टेड होंगे. क्लोज कनेक्टेड का मतलब क्या होता है, सारे आंसर्स आपको एक ही तरह लगेंगे. तो इसमें ज्यादा कंफ्यूज होते हो, बच्चे कंफ्यूज होंगे, तो जो राइट आंसर आता भी होगा ना वो भी भूल जाओ. सपोज अगर मैंने पूछा ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कौन से ईयर में स्टार्ट हुई थी, अगर मैंने आपको रिलेटेड क्वेश्चन दे दिए 1821 उसी पैराग्राफ पे, 1824, 1832, तो आपको पता है हमने यही डेट जो है वो सारी इसी पैराग्राफ से पढ़ी है, लेकिन वो इवेंट अलग अलग. 1821 में स्टार्ट हुआ, 1824 में इंग्लिश पोइट लॉर्ड बायरन की डेथ हुई, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल हुई 1832. तो सारी क्लोज कनेक्टेड डेट्स हैं और ऐसे में जो है वो रॉन्ग आंसर के चांसेस ज्यादा होते. ठीक है, इन विच ईयर इटली गॉट यूनिफाइड, ईयर इज 1871, तो आंसर कैन बी आस्क्ड 1861, 1851, 1862, ईयर एक जैसे ही हूँ. तो ये माइंड में रखो, जब भी आपने एग्जैक्ट डेट के जो क्वेश्चंस आते हैं ना उसमें हमेशा कंफ्यूज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं. और इसीलिए उन क्वेश्चंस की लिस्ट जो इवेंट वाइज क्वेश्चंस होते हैं ना, इनके अलग से ही लिस्ट बनाओ, ताकि उसको हर रोज 5 मिनट सोचो कि हमने ये पढ़ना ही पढ़ना है. 2 दिन के बाद पढ़ लो, 3 दिन के बाद पढ़ लो, लेकिन वो डेट्स को अच्छी तरह से याद करो. हमें पता है कि हमें इंडिपेंडेंस मिली थी 15 अगस्त 1947, क्योंकि हमने ये डेट इतनी बार सुनी है कि अब तो हमें याद हो गई है, हमें अपनी बर्थ डेट याद हो गई है. ठीक है, हमें इतना पता है कि हाँ जी कोरोना जो है कोविड 2019, क्योंकि हम इतनी बार उसको सुन चुके हैं. ठीक है, तो कुछ डेट्स ऐसी होती है जितनी बार सुनोगे, जितनी बार रीड करोगे, लर्न करोगे, आपको याद होगी एग्जाम तक, क्योंकि हमारा मेन मोटिव है कि हमने एमसीक्यूज में से फुल मार्क्स लेंगे. ठीक है, और सारी क्लोज कनेक्टेड जो होती है ना, क्लोज कनेक्टेड में क्या होता है, सारे आंसर्स आपको एक ही तरह के लगते, इसमें गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं. ठीक है, तो जितना हो सके चैप्टर को जब हम आपको करवाते हैं नोट करो और साइड पे रीडिंग भी प्रॉपर करो, और इसके बाद जब आपके प्रैक्टिस पेपर्स आएंगे हम प्रैक्टिस पेपर भी सॉल्व करेंगे साइड बाय साइड. ठीक है, हाँ जी. अब रोमांटिसिज्म में आर्टिस्ट के नेम याद रखने हैं आपने, ठीक है, और उनका लिटिल बिट छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन कि उन्होंने रोमांटिसिज्म में क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. रोमांटिसिज्म मैंने आपको बताया था कि जब आर्टिस्ट जो है वो लड़ाई नहीं लड़ता बल्कि पोइम, थॉट्स, ठीक है, या बुक्स लिखते हैं या पेंटिंग्स बनाते हैं, जिनको पढ़ के या जिनको देखकर लोगों के मन में नेशनलिज्म की फीलिंग आती है. ऐसी बेस्ट मैंने पेंटिंग का एग्जांपल दिया था डेलाक्रोएक्स. डेलाक्रोएक्स, DELCROIX, डेलाक्रोएक्स, इनकी पेंटिंग जो थी, इस पेंटिंग में
उन्होंने ग्रीस के जो रिवोल्ट है उसका एक जस्ट एक पिक्चर बनाई है जिसमें दे वर अटैक्ड बाय द टर्क्स TURKS व्हेन दे वर अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमंस। डेला क्रॉस की जो पेंटिंग है ये रोमांटिसिज्म का बेस्ट एग्जांपल। DEL डेला DELACROIX डेला क्रॉइक्स 1824 में ये पेंटिंग बनाई थी उन्होंने 1824। इस पेंटिंग का मेन थीम क्या है उसमें दिखाया उन्होंने हाउ टर्क्स अटैक्ड ऑन ग्रीस। इसका बिल्कुल मिलता जुलता एग्जांपल कल रात को ना एक टीवी में न्यूज आ रही थी तालिबान कैप्चर्ड अफगानिस्तान और उसमें दिखाया गया है कि यूएसए जो है यूएस प्लेन था और लोग उसमें बचने के लिए अपना सब कुछ छोड़कर उस प्लेन में जाने को तैयार है और एक तरफ दिखा रहे थे इंडिया और पाकिस्तान की डिवीजन का सीन जिस टाइम पर हमें पाकिस्तान से लोग इंडिया या इंडिया से बाय ट्रेन जा रहे थे तो वो बता रहे कि वही टाइम है अब तालिबान ने अफगानिस्तान को कैप्चर कर लिया प्रेसिडेंट घानी जो है वो कंट्री छोड़कर चले गए ठीक है अब अफगानिस्तान जो है वो पूरी तरह से तालिबान के कंट्रोल में है ठीक है। अब अफगानिस्तान के लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि अब उनको तालिबान के कंट्रोल में रहना पड़ेगा। बैंक में इतना रश था कि वो अपनी जो उनके डिपॉजिट से या कुछ है वो उनको नहीं मिल पा रहे क्योंकि अल्टीमेटली अब सारा जो है वो तालिबान गवर्नमेंट के कंट्रोल में। नाउ पीपल दे वांटेड टू एस्केप लोग भागना चाहते हैं वहां से सब कुछ छोड़कर ठीक है क्योंकि जस्ट टू सेव देयर लाइफ। ऐसे ही इस पेंटिंग में दिखाया गया है कि हाउ टर्क्स दे अटैक्ड ऑन ग्रीस पीपल एंड उस टाइम का जो है वो सीन दिखाकर लोगों के मन में टर्क्स के लिए एक जस्ट हम ये कह सकते हैं कि ऑपोजिट फीलिंग जो है वो दिखाई गई है। तो कहीं ना कहीं ये पेंटिंग उस टाइम पर में बहुत फेमस हुई थी। नेक्स्ट लॉर्ड बायरन ये भी उस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट लॉर्ड बायरन इन्होंने ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से रिलेटेड काफी पोइम्स लिखी। लॉर्ड बायरन 1824 ही डाइड इन 1824 लॉर्ड बायरन ही आल्सो कंपोज मैनी पोइम्स एंड ही रोड बुक्स रिलेटेड टू दैट इंसिडेंट जो भी उस टाइम पर में इंसिडेंट हुआ था। बट एग्जैक्टली इन ट्रिटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल ग्रीस बिकेम इंडिपेंडेंट कंट्री फ्रॉम ऑटोमन एम्पायर इन 1832 ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में कहते हैं ठीक है। तो ये जस्ट दिखाया गया रोमांटिक आर्टिस्ट का क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है। एक और जर्मन फिलोसोफर थे उनका नेम क्या था गॉटफ्राइड हर्डर GOTTFRIED HERDER गॉटफ्राइड हर्डर। इन्होंने सबसे ज्यादा स्ट्रेस दिया दास वॉक जर्मन में इसको कहते हैं कॉमन पीपल जैसे हम कहते हैं ना हमारे पंजाब का फॉक सॉन्ग फॉक टेल्स ठीक है यानी कि जो लोकल कल्चर से रिलेटेड होते हैं ऐसे ही इन्होंने गॉटफ्राइड हर्डर ने कॉमन पीपल के बारे में ज्यादा लिखा। हम अगर आज के टाइम पर हमें हिस्ट्री पढ़ते ना हम कहते हैं वंस देयर वाज अ किंग वंस देयर लॉन्ग लॉन्ग एगो हमेशा किंग और क्वींस की ही कहानियां होती हैं। कॉमन पीपल की स्टोरीज क्यों नहीं है क्योंकि कॉमन पीपल के बारे में कुछ लिखा ही नहीं गया। तो इन्होंने स्ट्रेस दिया कॉमन लोगों की लाइफ के बारे में कल्चर ताकि जर्मन के लोगों को कॉमन लोगों के कल्चर के बारे में पता लगे दास वॉक। देन एक और रोमांटिक आर्टिस्ट माने गए कैरोल कुरपिंस्की KAROL कैरोल कुरपिंस्की KURPINSKI कैरोल कुरपिंस्की। इन्होंने सबसे ज्यादा स्ट्रेस किस पे दिया फॉक डांस फॉक म्यूजिक। इन्होंने कहा कि ये कंट्री को अगर इकट्ठा करना है ना तो फॉक डांस और फॉक म्यूजिक उस कंट्री में नेशनलिज्म की फीलिंग को लेकर आ सकता। इसका बेस्ट एग्जांपल आप खुद लोगों ने देखा होगा कि जब आपको राष्ट्रगान.com के अंडर नेशनल एंथम गाने की अपॉर्चुनिटी मिली तो आप बच्चों ने गाया और सर्टिफिकेट लिया है ना। तो कहीं ना कहीं म्यूजिक भी जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लोगों को यूनाइटेड करने में। तो कैरोल कुरपिंस्की ने भी अपनी कंट्री में फॉक डांस फॉक म्यूजिक को बहुत ज्यादा प्रमोट किया। नेशनल स्ट्रगल का मतलब क्या होता है कि जब उनकी कंट्री
फॉरेन कंट्रोल में थी, तो उस टाइम पीरियड में इसने यानी कि बहुत हेल्प किया. और कौन कौन से डांस उसने बहुत फेमस किए? पोलोनाइज एंड मजूरका. पोलोनाइज एंड मजूरका, तो ये मेन आर्टिस्ट के नेम और उनका जस्ट कंट्रीब्यूशन आपको पता होना चाहिए. ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट. इसके बाद जो क्वेश्चन आपका हमने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए किया था, एज ऑफ, जब मैंने इसको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए करवाया था ना, तब हमने किया था वाई एज ऑफ 1830 टू 1848 इज नोन एज एज ऑफ रेवोल्यूशन. लेकिन अब हमने इसको शॉर्ट आंसर्स में करना है, तो हमने जस्ट वी बोल्ड नंबर वन जुलाई 1830 फ्रांस रिवोल्ट. ठीक है, इसके बाद ड्यूक मेटर्निक ने कहा था कि फ्रांस में जो भी होता है, व्हेन फ्रांस स्नीजेस रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड, तो इसका असर किस पे पड़ा? ब्रसल, ब्रसल रिवोल्ट सेम ईयर 1830. थर्ड, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अभी मैंने करवाया. ग्रीक वॉर कब इनको फ्रीडम मिली? 1832. इसी पर्टिकुलर एज में हमने बताना. देन दो रिवोल्ट और आते हैं आपके, हंगर एंड हार्डशिप रिवोल्ट. इसमें सेम फ्रांस को कंटिन्यू किया आगे, ये 1830, ये 1848. फ्रांस में फिर से चेंजेस आए, रिवोल्ट आया, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ. ठीक है, देन फिफ्थ 1845 सिलेशिया. लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मैंने डिटेल में करवाया था, शॉर्ट में कैसे याद रखोगे? स्टोरी की तरह याद रखो इसको. फ्रांस में हमने नाइन्थ में पढ़ा था टाइमलाइन के अकॉर्डिंग 1804 में सिविल कोड आया. ठीक है, उसके बाद 1815 बैटल ऑफ वाटरलू. 1850 में हमने पढ़ा है वीना ट्रीटी, और उसके बाद कौन सी कंट्रीज ने कैप्चर कर लिया? BRPA, ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया. इसमें प्रॉब्लम क्या आई थी? जो ब्रसल बेल्जियम, इसको किसके अंडर कर दिया था? नीदरलैंड के अंडर. ठीक है, इसका मतलब है कि इसमें जो रिवोल्ट आया, ब्रसल के लोगों ने नीदरलैंड के अगेंस्ट रिवोल्ट किया. सपोज आज के टाइम पीरियड में आपने देखा कि तालिबान ने अफगान को कैप्चर कर लिया, अब अफगान के लोग रिवोल्ट करेंगे अगेंस्ट तालिबान, ऐसे. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट 1815 यानी कि 1815 में ये जो कंजर्वेटिव कंट्रीज थी, इन कंट्रीज ने फ्रांस में कौन सी डायनेस्टी लेकर आए? बॉर्बन. और इस डायनेस्टी में लुइस 18 ही बिकेम द किंग और मोनार्की सिस्टम वापस आ गए. अब हमने पढ़ना है 1830 में क्या हुआ. 1815 से लेकर 1830 का टाइम वर्स टाइम था लोगों के लिए, क्योंकि लोगों ने जो फ्रेंच रेवोल्यूशन लाने में इतना एफर्ट किया, वो सारा ऑल इन वेन. तो ये 15 इयर्स जो कंजेक्टिव इयर्स थे, दीज इयर्स वर वेरी, यू कैन से, एक्सप्लॉइटेड फॉर दीज पीपल. सो इन 1830 में क्या हुआ? रिवोल्ट हुआ. और इस रिवोल्ट में लुइस 18 को क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया. बर्बन डायनेस्टी को खत्म कर दिया. और लुइस फिलिप ही बिकेम मोनार्क. अभी मैं क्या कह रही हूँ? मोनार्क यानी कि वो कंट्री के नए किंग बने. न्यू मोनार्क मीन्स न्यू किंग. और बर्बन डायनेस्टी को खत्म कर दिया. इसका मतलब 1830 में भी अभी भी फ्रांस जो था वो क्या था? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी कि कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया. साथ ही किंग जो है, नए किंग कौन थे? लुइस फिलिप. ठीक है, अब हमने यहाँ पे पढ़ना है नंबर वन, इन जुलाई 1830 व्हेन लुइस फिलिप ही बिकेम द किंग ऑफ द कंट्री, देन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनाया गया. और इस सिस्टम को क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. ठीक है, तो 1830 में यानी कि 1830 में लुइस फिलिप जो थे वो कंट्री के नए किंग बने. अब 1830 से लेकर 1848 इतना लंबा टाइम पीरियड एक जो रूलर है उन्होंने रूल किया 1830 से लेकर 1848. लेकिन प्रॉब्लम क्या आई? नाउ द पीपल ऑफ फ्रांस दे वर फेड अप फ्रॉम द लुइस फिलिप. ठीक है, अब 1848 में क्या किया गया? फिर से फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की को खत्म कर दिया गया. कंट्री में नया सिस्टम कौन सा आया? रिपब्लिक.
यानी कि फ्रांस बिकेम रिपब्लिक इन विच ईयर 1848। आपको याद है नाइन्थ में क्वेश्चन किया था व्हेन स्लेवरी वाज फाइनली एबॉलिश्ड 1848, क्योंकि अब फ्रांस जो है वो क्या बन गया, रिपब्लिक। हिस्ट्री रिपीट क्यों कहा मैंने, क्योंकि लुईस 16 के बाद रॉबेस्पियर रिपब्लिक बना और लुईस फिलिप के बाद कौन बना यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे कौन रिपब्लिक बने, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस टाइम पीरियड में यहाँ पे जो रिपब्लिक थे वो कौन थे, नेपोलियन बोनापार्ट के ही रिलेटिव थे, लेकिन उनको लोगों ने इलेक्शंस में इलेक्शंस के द्वारा जिताया था, ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट के रिलेटिव, लेकिन वो इस टाइम पीरियड में यहाँ पे ना कोई मोनार्की सिस्टम था ना कोई हेरिडिटरी सिस्टम था, यहाँ पे कंट्री में इलेक्शंस करवाए गए तभी रिपब्लिक सिस्टम आएगा ना। इलेक्शंस वर कंडक्टेड एंड 21 जिनकी एज 21 है ऑल मैन गॉट राइट टू वोट, ऐसे याद हो। अब ये सारा जो सीक्वेंस है ना आपको याद रखना है कि 1815 में, ठीक है, कौन बने लुईस 1815 से 30 लुईस जो है लुईस यानी कि 15 टू 30 30 में लुईस फिलिप को किंग बना दिया गया और 1830 से लेकर 1848 तक लुईस फिलिप जो थे वो कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन बना, लेकिन पहला रिवोल्ट जो फ्रांस में हुआ था दूसरा उसके बाद सेम हुआ 1848 में, 1848 में क्या कर दिया गया लुईस फिलिप को रिप्लेस कर दिया, रिप्लेस का किया गया कि ही फ्लेड फ्रॉम द कंट्री, वो कंट्री से चले गए और उसके बाद कंट्री में इलेक्शंस करवाए गए और इन इलेक्शंस में सबको क्या दिया गया, राइट टू वोट एंड राइट टू वर्क आल्सो, राइट टू वर्क, ठीक है। अब कौन से रिवोल्ट रह गए, ब्रसेल, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड 1845। ब्रसेल का रिवोल्ट, वियना ट्रीटी जब थी ना इस ट्रीटी में नीदरलैंड जो था उसने ब्रसेल को कैप्चर कर लिया, नाउ मींस बेल्जियम कह लो या ब्रसेल कह लो इट वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ नीदरलैंड, यहाँ के लोगों ने रिवोल्ट किया एंड दे गॉट फ्रीडम फ्रॉम नीदरलैंड इन 1830, क्योंकि मैंने आपको अभी कहा कि फ्रांस में जो होता था उसका असर पूरे यूरोप में होता है। इसके बाद 2 इयर्स के बाद ग्रीस के लोगों ने भी 2 इयर्स के लिए पूरी तरह से रिवोल्ट किया अपनी कंट्री में एंड दे गॉट फ्रीडम फ्रॉम, किनसे फ्रीडम मिली उनको, ऑटोमन मुस्लिम्स थे और ग्रीक कौन थे, क्रिश्चियंस, they gained freedom in 1832 treaty of Constantinople. Then ये दोनों जो है इनको hunger and hardship revolt कहा जाता है। अगर मैं 1 mark में पूछूं which were the revolts of hunger and hardship, number 1 1848 and number 2 1845, ये मैंने आपको explain कर दिया। 1845 क्या था, सिलेशिया में problem किनकी थी, beavers, किनके अगेंस्ट, कॉन्ट्रैक्टर्स मतलब कौन, जो इनको क्या देते थे, रॉ मटेरियल मींस कॉटन, कपड़ा बनाने के लिए, एंड क्या देते थे, एडवांस का मतलब होता 10% ऑफ द टोटल जो भी प्रॉफिट होगा, 10% इनको दे दिया जाता था, लेकिन 6 months के बाद, यस कीप क्वाइट, 6 months के बाद या 1 year के बाद जब पूरा मटेरियल बन जाता था फाइनल डिलीवरी, जब ये कॉन्ट्रैक्टर रिवर से लेने आते थे दे वर नॉट गिवन वेजेस, उनको लटका दिया जाता था 2 years, 3 years, 4 years, और जब इन वेजेस को जो है वो सॉरी लेबर को वेजेस नहीं मिलेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हंगर एंड हार्डशिप विल इंक्रीज इन द कंट्री एंड मेनी पीपल दे डाइड ऑफ स्टार्वेशन, दे वर नॉट गेटिंग वेजेस प्रॉपरली, एंड ऐसी कंडीशन में जब लोगों को खाना नहीं मिलता, बेसिक कंडीशंस एंडेंजर होती है, तो वो क्या करते हैं, दे अटैक्ड ऑन कॉन्ट्रैक्टर्स के स्टोर हाउसेस पे अटैक किया जहां पर उन्होंने कपड़ा जो है वो स्टोर किया हुआ था, इवन जो डॉक्यूमेंट्स, जिन डॉक्यूमेंट्स पे वीवर्स के साइन लिए गए थे, फेक साइन लिए गए थे ना वहां पे, उन्होंने क्या किया, दे बर्न द डॉक्यूमेंट्स आल्सो। फिर कॉन्ट्रैक्टर्स जो थे इन्होंने किसकी हेल्प ली, पुलिस और आर्मी की, एंड मेनी वीवर्स वर डाइड इन दिस सिलेशियन Beavers uprising, इसको क्या बोलते हैं, Silesian Beavers uprising revolt of 1845. Clear? Any doubt? Long question में पूरा डिटेल में आना था लेकिन शॉर्ट में अब इनकी इवेंट्स जस्ट आपको पता होना चाहिए कि हर इवेंट के पीछे 2-3 lines में इसकी स्टोरी याद होनी चाहिए। नंबर 1 जुलाई 1830 में कौन बने कंट्री के प्रिंस, नए जो है किंग कौन बने,
लुइस फिलर, उनको रिप्लेस किया गया 1848 में, लेकिन कंट्री में इलेक्शंस करवाए गए और इन इलेक्शंस में कंट्री को चेंज कर दिया गया फ्रॉम मोनार्की टू रिपब्लिक। जब रिपब्लिक होता है तो इट मींस कंट्री में इलेक्शंस करवाए जाते हैं और इन इलेक्शंस में राइट टू वोट चेंज कर दिया गया। पहले कितना था फ्रांस में राइट टू वोट? 25 ईयर्स, लेकिन अब कितना किया गया? 21, ओनली टू मेन। विमेन को जाके कब मिला? 1946, हमारी इंडिपेंडेंस के एक साल पहले। ठीक है, कितना लंबा स्ट्रगल करना पड़ा उनको राइट टू वोट के लिए। क्लियर, ये था सारा रिवोल्ट्स। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं यूनिफिकेशंस। यूनिफिकेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वैसे तो ये लॉन्ग क्वेश्चन डिटेल में करते हैं, लेकिन वन मार्क के लिए यूनिफिकेशंस में आपको मेन याद करने हैं उनके इंपॉर्टेंट ईयर्स और इन यूनिफिकेशंस में वॉर किनके साथ हुई थी एंड इंपॉर्टेंट करेक्टर्स। हर यूनिफिकेशन के आपको करेक्टर्स याद करने, किंग कौन बने, किसका मेन कॉन्ट्रीब्यूशन है, या कौन से ईयर में एक्ट पास किया गया, तो उसकी सीक्वेंस में एक लिस्ट बनाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल, नंबर वन आपका जो है जर्मन यूनिफिकेशन। जर्मन यूनिफिकेशन आज के टाइम पीरियड में बच्चे जिसको हम जर्मनी कहते हैं, पुराना नाम उसका क्या था? प्रशिया। और ये प्रशिया जो था, दैट वॉज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट किंगडम्स, अलग अलग किंगडम्स थी इनके अंडर। किसी किंगडम को यूनिफाई करने का मतलब, आज के टाइम पीरियड में अगर हम कहते हैं यूनिफाइड करना, यूनिफाइड करना का मतलब क्या होता है? दो अलग अलग रीजन है, उनको एक कर दें। ठीक है, तो इसी तरह से प्रशिया के अलग अलग किंगडम जो प्रशिया के अंडर थी, किंगडम्स थी, यूनिफाई का मतलब होता है कि सभी किंगडम्स में जो किंग्स हैं वो प्रशिया के किंग को अपना मेन किंग डिक्लेयर करेंगे, और वॉर के टाइम पीरियड में या कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो प्रशिया का किंग उनको प्रोटेक्ट करेगा। एंड इन बिटवीन लोगों ने यह भी डिमांड रखी कि कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए और कंट्री में क्या होनी चाहिए? पार्लियामेंट। क्या कोई किंग जो है वो अपनी पावर्स को डिवाइड करने के लिए इजी मान जाएगा? नो। लुई 16th मान तो गया था, लेकिन इन रिटर्न उसने क्या किया? क्या किया था इन रिटर्न? यस, ही मेड सीक्रेट अटैक और प्लानिंग कॉन्स्पिरेसी विद प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया ऑन फ्रांस, अपनी ही किंगडम यानी कि, और इसीलिए उसके ऊपर क्या लगाया था? चार्ज ऑफ प्रिजन, देशद्रोह का चार्ज लगाकर उसको एग्जीक्यूट कर दिया गया था। ठीक है, अब हमने पढ़नी है जर्मनी की स्टोरी। तो ये स्टोरी जो है, वैसे लॉन्ग क्वेश्चन में हम पूरा डिटेल में करते हैं, शॉर्ट में सिर्फ आप याद रखो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट फर्स्ट फेज। जर्मन यूनिफिकेशन टू फेसेस में कंप्लीट हुई। टू फेसेस मींस टाइम पीरियड। फर्स्ट फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, कहने का पार्लियामेंट है, कहने को पार्लियामेंट है लेकिन पार्लियामेंट जैसी कोई चीज नहीं थी। वाई? बिकॉज 831 रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट किंगडम्स एंड एरियाज ऑफ प्रशिया, या प्रशिया के जो अलग अलग किंगडम्स थे, ठीक है, दे गैदर्ड इन अ सेंट पॉल चर्च। चर्च का नाम क्या था? सॉरी, बिल्डिंग का नाम क्या था? सेंट पॉल चर्च। और उसमें जो किंग था उसने एक मीटिंग बुलाई, इस मीटिंग को कहते हैं फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। कहने को ये कोई पार्लियामेंट नहीं थी, दैट वाज अ काइंड ऑफ मीटिंग जो फ्रैंकफर्ट सिटी में हुई थी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव्स कितने थे? 831। और इंपॉर्टेंट डेट, डेट आपने याद रखनी है, ईयर आपने याद रखना है 1848, और डेट आप याद रखोगे 18 मई। ओनली मेन वर गिवन परमिशन टू एंटर, वीमेन वर नॉट गिवन सीट्स। और वीमेन जो थी ना, इसी जो ये गैलरी थी, इस गैलरी के ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर था, ठीक है, वहां पे उनको परमिशन दी गई, बट ओनली ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर का मतलब क्या होता है? वहां पर रहकर सिर्फ मीटिंग्स को देख सकती हैं, अपने व्यू पॉइंट नहीं दे सकती। मींस एट दैट टाइम वीमेन दे वर नॉट गिवन पॉलिटिकल राइट्स। हाँ, इतना जरूर है कि इस गैलरी में, यानी कि उनको अंदर एंटर करवा लिया गया, लेकिन ऊपर फर्स्ट फ्लोर में जो ओपन, जैसे आपकी बुक में पिक्चर बनी हुई है आप देख सकते हो, वहां पे उनको जो है परमिशन दी गई। ठीक है, अब प्रपोजल क्या था? जो 831 रिप्रेजेंटेटिव थे, इनका प्रपोजल क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए हमारी कंट्री में, और कंबाइंड किंग। कंबाइंड किंग कौन है? किंग कौन होगा? राइट डाउन द नेम ऑफ किंग। नेम ऑफ द किंग वॉज एट दैट टाइम नेम ऑफ द किंग एट दैट टाइम फ्रेडरिक विलियम फोर, किंग ऑफ प्रशिया। एफ आर आई ई डी, फ्रेडरिक, आर आई सी एच, फ्रेडरिक विलियम
विलियम के स्पेलिंग यहाँ पे चेक कर लेना, WILHELM विलियम। फोर्थ नंबर उसका फोर्थ, किंग ऑफ प्रशिया, यानी कि जो रिप्रेजेंटेटिव थे ये फ्रेडरिक विलियम को अपना यूनाइटेड किंग बनाकर पूरे प्रशियन एरियाज को कंबाइन करना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ बिकॉज फ्रेडरिक विलियम फोर्थ रिजेक्टेड द प्रपोजल टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन। उसने कहा कि उसकी पावर्स लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में डिवाइड नहीं होंगी। नो डाउट वो किंग तो बनेगा, सभी एरियाज को प्रोटेक्ट करेगा, बट पावर्स विल नॉट बी डिवाइडेड एट ऑल। एंड rejected, he rejected the proposal. When he rejected the proposal, these 831 representatives came out bina kisi jo hum decision ke, jo first phase tha ye fail ho gaya, matlab Frankfurt parliament fail ho gayi, matlab german ko ya prussian areas ko combine karne ka jo proposal tha wo pass nahi hua, so it was not successful. Clear? Isme apne do teen questions yaad rakho. Who was the king during Frankfurt parliament of Prussia? Frederick William IV. ठीक है, how many representatives they entered? 831. On which date Frankfurt Parliament was convened? 1848. क्यों? फ्रांस में हुआ था ना, फ्रांस का असर कहां पे नजर आया? प्रशिया में। जब लोगों ने देखा कि फ्रांस में रिपब्लिक सिस्टम आ गया है और हमारी कंट्री अभी भी मोनार्की सिस्टम में है, तो उन्होंने ये कहा कि नो डाउट हम किंग को अपना किंग तो बनाते हैं, लेकिन कंट्री में कुछ चेंजेस होने चाहिए जो फ्रांस में चेंजेस हो रहे हैं। और फ्रांस को देखकर जर्मनी मतलब प्रशिया में भी उस टाइम पीरियड में दे डिमांडेड डिफरेंट काइंड ऑफ चेंजेस। और ये चेंजेस कौन डिमांड कर रहे थे? एजुकेशनल्स जो थे, प्रोफेशनल्स, लिबरल्स, या जो उस टाइम पीरियड में बिजनेस एक्टिविटीज या मर्चेंट्स करते थे जो फ्रीडम चाहते थे। ठीक है, हाँ जी। इसके बाद नेक्स्ट है सेकेंड फेज ऑफ यूनिफिकेशन। सेकेंड फेज ऑफ यूनिफिकेशन इस टाइम तक आते आते जर्मनी के जो प्रशिया के किंग थे वो चेंज हो गए। Now, new king of Prussia was Kaiser William. Kaiser William was the new king of Prussia. लेकिन जर्मनी के नहीं, किसके थे? प्रशिया। Second phase में Prussia was Kaiser William I. यहाँ पे वन लिखो, Kaiser William I. Second, वो change हो गए। काइजर विलियम वन, तभी मैं करवा रही हूँ ना, वन करो यहाँ। हाँ जी। नाउ किंग वांटेड टू कैप्चर ऑल द एरियाज, जर्मन स्पीकिंग एरियाज, यानी कि फ्रेडरिक विलियम ने कंबाइन करना मना कर दिया, तो अब आर्मी के बेस, अब ना इसको बहुत ध्यान से सुनो, फ्रेडरिक विलियम नहीं चाहता था कि कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन हो, पार्लियामेंट हो, या उसकी पावर्स को डिवाइड किया जाए, तो उसने प्रपोजल मानने से मना कर दी। लेकिन काइजर विलियम जो थे उनकी नेचर थी जैसे नेपोलियन बोनापार्ट की नेचर, कि वो अपनी टेरिटरीज या अपनी जितने भी उनकी नेबरिंग कंट्रीज थी उनको अटैक करके अपनी कंट्री का पार्ट बनाना चाहते। और इस तरह से उन्होंने क्या किया, प्रशिया के जितने भी नेबरिंग एरियाज थे, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क या फ्रांस के कुछ एरियाज जो जर्मन स्पीकिंग एरियाज थे, ही वॉन्टेड टू ग्रैब ऑल द एरियाज, एंड विद द हेल्प ऑफ आर्मीज अटैक ही वॉज एबल टू कंट्रोल ऑल द एरियाज। और इस तरह से आर्मी ने जर्मनी को एक प्रशिया को एक जर्मन कंट्री बनाया। ना कॉन्स्टिट्यूशन बना, ना पार्लियामेंट बनी, ना लोगों को राइट्स दिए गए। ठीक है, आर्मी के बेसिस के ऊपर अलग अलग एरियाज को कंबाइन किया गया, यूनिफाइड किया। ठीक है, और इस यूनिफिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसने प्ले किया? बिस्मार्क, जिसको कहा जाता है आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन नेशन। आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन नेशन मतलब वॉर एंड ब्लड पॉलिसी। वॉर एंड ब्लड पॉलिसी का मतलब होता है अलग अलग कंट्रीज पे अटैक करो, उनको यूनिफाइड करो। यूनिफाइड का मतलब अपनी कंट्री का पार्ट बनाओ। और इस पॉलिसी के अंडर तीन कंट्रीज पे अटैक किया गया, एडीएफ, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस। और इस पॉलिसी को ये भी कहते हैं थ्री वॉर्स इन सेवन इयर्स। थ्री वॉर्स मतलब तीनों कंट्रीज पे वॉर की और सेवन इयर्स लगे। थ्री वॉर्स इन सेवन इयर्स एंड फाइनली इन 1861 काइजर विलियम वन बिकेम द किंग ऑफ यूनाइटेड जर्मनी। कंट्री का नाम चेंज किया गया, यूनाइटेड जर्मनी, इन 1871। हाँ, इटली की 61 में, ये हमेशा कंफ्यूजन रहती है। ठीक है, 1871 काइजर विलियम वन ही बिकेम द किंग ऑफ यूनाइटेड जर्मनी।
ये याद होगा 1871 ना, ना कॉन्स्टिट्यूशन था ना पार्लियामेंट, मोनार्की अभी भी थी वहां पे ना, मोनार्की सिस्टम अभी भी था।